अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलर्ट मैसेज के साथ मैं हूँ हमजा चीमा जी। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा, नंबर वन, पाकिस्तान में यूज्ड आईफोन कैसे खरीदा जा सकता है। सबसे पहले दुकानदार से वाटर पैक मोबाइल खरीदने का तरीका क्या सही है क्या गलत। दुकानदार अगर वाटर पैक मोबाइल कहता है तो आप जवाब में ये कहें, प्लीज वाटर टेस्ट करवाएं। अगर टेस्ट नहीं करवाता आईफोन एक्स से ऊपर वाला मॉडल और आईफोन एक्स से नीचे वाला मॉडल ऑप्शन दी हुई है जिससे हम चेक कर सकते हैं आईफोन ओपन हुआ है के नहीं। आईफोन एक्स से ऊपर वाले मॉडल में ट्यूटोन नाम की ऑप्शन दी हुई है जिसे हम चेक कर सकते हैं। अगर ट्यूटोन की ऑप्शन नहीं आ रही तो इसका मतलब है मोबाइल पहले से खुला हुआ है और हमारे पाकिस्तान के अंदर ट्यूटोन को एक्टिव करने के लिए सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। और अगर दुकानदार वाटर पैक टेस्ट करवाते हैं तो मोबाइल ओरिजिनल है। नंबर टू, अगर दुकानदार जेवी और फैक्ट्री अनलॉक कहता है और आप उससे गुजारिश करें कि सिम एक्टिव करके दिखाएं, अगर मौके पर एक्टिव हो जाता है तो साथ 2 माह की गारंटी लें। अगर फोन 2 माह से पहले बंद हो जाता है तो दुकानदार पर जाकर क्लेम करें। तो अगर दुकानदार नहीं मानता तो आपका हक है कि इसके खिलाफ कंप्लेन करें। नंबर 3, आईफोन 10 से जो नीचे मॉडल है इनकी बैटरी हेल्थ फोकस की जाती है। अगर बैटरी हेल्थ 90-100 बताई जाती है, आईफोन 6, 7, 7 प्लस ये बताई जाती है तो मेरे ख्याल से वो बूस्ट होती है। बैटरी हेल्थ जो अच्छी है वो 75-85 के दरमियान है। अगर आईफोन एक्स से ऊपर मॉडल लेना चाहिए तो उसकी 85-95 हेल्थ होनी चाहिए। आईफोन एक्स, एक्स, एक्सआर, एक्सएस, एक्सएस मैक्स, 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स 12, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स 14 प्लस 14 प्रो मैक्स की हेल्थ 85-200 होनी चाहिए। नंबर 4, खरीदने से पहले पैनल चेक करें, अगर कोई शेड आ रहा है तो मत लें और पैनल को दबा कर चेक करें, अगर ब्लैक शेड दे रहा है तो पैनल चेंज है। और आईफोन की एक्सेसरीज बहुत ज्यादा पाकिस्तान में स्कैम किया जाता है। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का अलर्ट मैसेज अच्छा लगा होगा। दोबारा फिर किसी नई स्टोरी के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।